हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 7 साइबर सेफ्टी कर रहे हैं। तो साइबर सेफ्टी जैसे कि एक नया चैप्टर जुड़ा है हमारा इस बार। साइबर सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि सेफ्टी पर्पस, किसकी सेफ्टी? इंटरनेट की सेफ्टी। तो सबसे पहले हम इसमें हमें पढ़ेंगे कि हमें साइबर सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कह रहे कि इंटरनेट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डाटाबेस अवेलेबल टू अस टूडे एंड हैज़ बिकम ए विटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। टास्क सच एज बैंकिंग, शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन रिच वर यूजली परफॉर्म थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन अर्लियर कैन नाउ बी डन ऑनलाइन। कह रहे कि इंटरनेट क्या है? एक लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डाटाबेस है हमारे पास आज के टाइम में, जो हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जैसे कि टास्क हैं जैसे बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन, जो पहले की मैनुअली परफॉर्म किए जाते थे, आजकल सब के सब ऑनलाइन होने लगे हैं। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द ग्लोब इंस्टेंटली एंड डेट। कह रहे कि अब हमें कोई भी डाटा पूरे ग्लोब में कहीं भी सेंड करना हो तो हम इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। इंटरनेट ने क्या कर दिया है? पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा कर दिया है। एज कंप्यूटर्स एंड डाटा हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक इवन ए सिंगल डे विदाउट बींग ऑनलाइन। कह रहे कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, इसलिए बिना इसके हमारा एक दिन भी सोचना मुश्किल हो जाता है। अनडाउटली द इंटरनेट इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर अस, बट द क्वेश्चन अराइजेज, इट इज़ सेफ। कह रहे कि अनडाउटली क्या हो गया, इंटरनेट हमारे लिए क्या एक महत्वपूर्ण जो है अंग बन चुका है, बट मेन क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हमारे लिए ये सेफ है? द आंसर टू क्वेश्चन इज मे बी येस इफ़ वी आर अवेयर एंड यूज़ द राइट टूल्स। कह रहे कि इसका आंसर येस है, अगर हमें राइट टूल्स को कैसे यूज़ करना है उसका पता है तो। वाइल यूजिंग इंटरनेट मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, मालवेयर एंड बॉम्ब्स में इन्फेक्ट अवर कंप्यूटर, सो वी ऑलवेज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द प्रोग्राम विच वी डाउनलोड और रन ऑन अवर कंप्यूटर। कह रहे कि जब हम कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बहुत सारे वायरस इंटरनेट के ऊपर होते हैं, मालवेयर होते हैं और बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड करते टाइम, कंप्यूटर पर रन करते टाइम। कह रहे कि वी मे गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट एनी रिस्क इफ़ वी सर्फ एंड विजिट ट्रस्ट वर्दी लिंक्स विद अवेयरनेस। कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम कोई भी लिंक को जो ट्रस्ट वर्दी हैं लिंक्स हैं उनके बारे में अवेयर रहें तो। इट इज़ गुड टू बी टेक्नो सेवी बट इट इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ ऑनलाइन। कह रहे कि टेक्नो सेवी होना अच्छी बात है, बट जो सेफ ऑनलाइन सर्फिंग करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेवरल थ्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लॉस, ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स एंड क्राइम्स हैव बिकम एन कॉमन कॉज ऑफ कंसर्न। कह रहे कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लॉस हो गया या ऑनलाइन फ्रॉड है या स्कैम्स हैं, ये क्राइम्स हैं, हमारी लाइफ का एक कॉमन कंसर्न बन चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब थ्रेट्स से हम कैसे बच सकते हैं, सिक्योर कैसे रख सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो कह रहे यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स विजिट द बैंक टू ऑपरेट द लॉकर, व्हाट पर्पज़ डज द लॉकर सॉल्व, योर मदर कीप्स हर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स इन द लॉकर, योर फादर कीप्स इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट द लॉकर, द लॉकर प्रोवाइड्स ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर द बिलोंगिंग्स, व्हाट विल हैपन इफ योर पेरेंट्स लीव द ज्वेलरी वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड द लॉकर बाय मिस्टेक दे विल स्टॉल एंड मिस यूज। कह रहे कि आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बैंक को ऑपरेट करते हैं, लॉकर यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपनी ज्वेलरीज, अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखते हैं ताकि वो सेव रहें और सिक्योर रहें। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा ना करें और ज्वेलरी को और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लॉकर के आउटसाइड घर पे रख लें, अगर वो दे विल बी स्टॉलर मिस यूज, अगर वो चोरी हो जाए और उनका मिस यूज हो जाए तो देखिए कितना नुकसान हो सकता है। सिमिलरली व्हेन यू एक्सेस द इंटरनेट यू की इन ए लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट यू विजिट एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट डैट यू आर पार्ट ऑफ, थ्रो द दिस इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, येट ए लॉट ऑफ देम कैन बी एक्सेस्ड बाई द पीपल, द अनसिक्योर्ड इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स कैन बी स्टॉलन एंड मिस यूज बाई थीव्स ऑन द इंटरनेट, दिस इज़ कॉल्ड साइबर थेफ्ट। कह रहे कि सेम इसी तरह से आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे जब वर्क करते हैं तो आपका बहुत सारा जो है कॉन्फिडेंशियल डाटा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप यूज़ करते हैं, उनके जो पासवर्ड वगैरह अगर चोरी हो जाएँ तो आपका क्या है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनको जो चोरी करता है उनको क्या कहते हैं, साइबर थेफ्ट कहते हैं।
देखिए साइबर थेफ्ट क्या होता है। साइबर थेफ्ट इज स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम ए पर्सनल कंप्यूटर और डिवाइस एंड मिस यूजिंग टू हार्म टू यूज़र। करें कि साइबर थेफ्ट होता है कि हमारी कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और या कोई पासवर्ड है या बैंक डिटेल है या क्रेडिट कार्ड डिटेल है, उसको क्या करना, चोरी करना और उसका क्या करना, मिस यूज़ करना। टू प्रिवेंट साइबर थेफ्ट यू नीड टू कीप मोस्ट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन डाटा सेफ, दिस इज नॉन एज साइबर सेफ्टी। कह रहा है कि साइबर थेफ्ट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन सेव रखना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं हम, साइबर सेफ्टी कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ ऑनलाइन आइडेंटिटी। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या होती है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ज्वाइन इन एनी सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। कह रहे कि आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, उसका उसका पहला स्टेप क्या होता है, यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट ए लॉग इन। सबसे पहले हम उसका करते हैं लॉग इन बनाते हैं, विच रिक्वायर टू ए कीन लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट। ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट करती है। पीपल एक्चुअली लुक एट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी वट वेन दे सी योर प्रोफाइल ऑन द सोशल, और लोग क्या करते हैं उसी ऑनलाइन आइडेंटिटी को ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखते हैं। रिमेंबर यू हैव टू वेरी केयरफुल एज टू वट एंड विद होम यू आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि किसके साथ हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है और कब करनी है और कैसे करनी है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, व्हेन समवन एल्स यूज योर ऑनलाइन आइडेंटिटी टू क्रिएट फ्रॉडलेंट मैसेजेस और कमिट क्राइम्स, इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को यूज़ करता है किस लिए, फ्रॉड करने के लिए, जैसे कि आप इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आजकल फेसबुक पे ये बहुत कुछ चला हुआ है कि फेसबुक पे लोग क्या करते हैं, किसी और की फ़ोटो उठा के, सारे की सारी फ़ोटो उठा लेंगे, उसके प्रोफाइल पढ़ लेंगे और उसकी सेम नाम से एक आईडी क्रिएट कर देंगे। और आजकल ये चल रहा है कि और उस सेम नाम की आईडी क्रिएट करने के बाद उसके जो पर्सनस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरे पहले वाली आईडी क्या हो गई है, हैक हो गई है, इस आईडी में मेरे को ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें ज्वाइन करवा लेंगे उनको और किसी ना किसी से फ्रॉड करेंगे, मैसेज के थ्रू पैसे मांगेंगे या कुछ और फ्रॉड करेंगे। तो कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आइडेंटिटी थेफ्ट इज एन काइंड ऑफ डिसेप्शन, स्कैम और क्राइम डैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ पर्सनल डाटा इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार आईडी और यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, विच इज़ अ यूज विदाउट योर परमिशन टू कमिट फ्रॉड एंड अदर क्राइम्स। कह रहे हैं कि अब इससे क्या हो सकता है, आपका ये सारा लॉस हो सकता है। इन टूडेज वर्ल्ड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी इंटरनेट यूजर इज टू सेफ गार्ड हिज और आइडेंटिटी विच इज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट फॉर साइबर थीव्स, हैकर्स एंड की लोगर्स। अब कह रहे हैं कि आजकल के वर्ल्ड में क्या सबसे बड़ा चैलेंज यही आया हुआ है कि अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से सेफ रखें हम। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग द इंटरनेट, कह रहे हैं कि लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन बी विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो कह रहे हैं कि कुछ नीचे जो हैं वेज हैं जिसमें आप आइडेंटिटी थेफ्ट के विक्टिम हो सकते हैं। सबसे पहले फिशिंग, कह रहे हैं कि इट इज़ द एक्ट ऑफ इलीगली एक्वायरिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड अदर लॉगिन डिटेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय सेंडिंग मेलिशियस ईमेल्स और बाय क्रिएटिंग वेब पेजेस डेट कैन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एज दे अपीयर कम फ्रॉम वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन। अब फिशिंग क्या होता है, इसमें आपकी जो है ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स ले ली जाती हैं आपसे, क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले ली जाएंगी या कोई भी लॉगिन डिटेल्स ले ली जाएंगी इसके द्वारा, या तो आपको कोई मेलिशियस ईमेल सेंड की जाएगी या कोई भी वेब पेज होगा उसके द्वारा वो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिससे आप उस कोई भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वेबसाइट बना दी गई है, आप सोचेंगे कि ये ओरिजिनल है बट वो फेक होंगी या कोई मिलीशियस ईमेल आपके पास आएगी, आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हैक हो जाएगा या आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप जैसे ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका चोरी हो जाएगा। आगे डंपस्टर डाइविंग, कह रहे हैं कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू रिट्रीव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र फ्रॉम हिज डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स।
साइबर थीव सर्च योर ट्रैश टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कोड्स और पासवर्ड विच दे कैन यूज टू कैरी आउट एन अटैक ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। अब डम्पस्टर डाइविंग क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र की ड्राइव करता है किसके द्वारा, जो डॉक्यूमेंट आपने डिस्कार्ड कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, इसमें क्या होते हैं साइबर थीफ क्या करेंगे, आपका जो ट्रैश है जिसके अंदर आप ट्रैश के अंदर जो अपनी जो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैं डिस्कार्ड करके डिलीट करके डाल देते हैं, तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन गेट करता है, चाहे वो बिल्स की हो या क्रेडिट कार्ड्स की हो या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उन, या कोई कोड या पासवर्ड हो गया उसके ऊपर, उसको यूज़ करके वो आपके कंप्यूटर पर क्या करेगा, अटैक करेगा। आगे शोल्डर सर्फिंग, करेगा इट इज़ ऑब्टेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज पिन एट एन ATM मशीन, पर्सनल डिटेल्स वाइल फिलिंग अप ए फॉर्म और द लॉक कोड ऑफ ए स्मार्टफोन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाई लुकिंग ओवर ए पर्सन शोल्डर। दिस हैपन्स इन क्राउड प्लेस सच एज बैंक्स, ATMs एंड वाइल ट्रेवलिंग बाई मेट्रो एंड बस। बिनोकुलर्स एंड विजनर्स एनहांसिंग डिवाइसेज कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट डिटेल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। कह रहे कि शोल्डर सर्फे में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है आपके पीछे खड़ा है, वो आपके शोल्डर के ऊपर खड़ा है, आप ATM जब यूज़ कर रहे हैं तब आपके पिन कोड देख रहा है, या आप कोई भी रश वाले एरिया के अंदर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, बिना ATM या ट्रैवल कर रहे हैं बस या मेट्रो के अंदर, उसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी डिटेल्स को चोरी कर रहे हैं, तो उससे भी आपका वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ डाटा देख सकते हैं और उसको हैक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्कीम, करके इट इज़ गिविंग टू ए जॉब सीकर ए फॉल्स होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद बेटर सैलरी बाई पेइंग ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। द थीव्स कीप ट्रैकिंग द अकाउंट ऑफ जॉब सीकर हु आर actively updating their CVs and email CVs. An email is then sent to the ID offering them a good job with an attractive salary. In return, the job seeker has to share a lot of personal details which also include the bank details and transfer some amount to them. These details, कह रहे हैं कि employment scheme में क्या होता है, आपको आप क्या करेंगे, daily की daily मान लीजिए आप अपने CV डालते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो जो थीव्स होंगे इस चीज़ को ट्रैक करते हैं, तो वो आपको जॉब ऑफर करेंगे, आप क्या करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल उनको शेयर करेंगे, बैंक डिटेल जो भी है सारी की सब मांगेंगे, जिससे क्या होंगे वो आपसे कुछ मनी भी मांगेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए स्टार्टिंग में, अगर आप वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका सब कुछ डाटा क्या है, हैक कर लेंगे। Then used to gain access to their bank accounts or personal details of identity theft. See the screen capture given below. देखिए इस तरह से आपको मेल आएंगी, आप अगर उनको भेजेंगे डेटा वगैरह तो आप हैक, आपका डाटा वो हैक कर सकते हैं। आगे प्री टेक्सटिंग, टेक्सटिंग कह रहे कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग ए पर्सनल पर्सन पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग ए फेक नेम और ए फेक कंपनी एंड देन सेलिंग डैट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल हु यूज़ द स्टीलिंग दैट पर्सन ऑनलाइन आइडेंटिटी। करके इसमें क्या होता है, एक पर्सन को जो है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी फेक नेम या फेक कंपनी के द्वारा, तब उसके बाद उसको कहते दूसरे लोगों को उसकी आइडेंटिटी सेल कर दी जाएगी। आगे मैनी वेज वेबसाइट ट्रैकिंग यू, तो कुछ तरीके होते हैं जिसमें वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं, तो वो क्या है, करके हाउ डू वी गेट ट्रैक्ड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग क्लास ऑनलाइन, कह रहा कि हम कैसे ट्रैक्ड होते हैं, तो कह रहा कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लास जो है कोचिंग क्लास ऑनलाइन लगा रहे हैं, आफ्टर डे और सो यू स्टार्ट रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम वेरियस वेबसाइट डेट यू ऑफर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स कोचिंग मटेरियल्स एंड इवन होम ट्यूशंस। कह रहे कि आप देखते हैं कि एक दो दिन के बाद क्या होते हैं, आपके पास बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं सेम उसी तरीके से उसी चीज़ की, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल कोचिंग मटेरियल या कुछ होम ट्यूशंस की। और यू डिड नॉट सफ़र रजिस्टर एनी ऑफ दी साइट, जबकि आपने कोई भी साइट के ऊपर रजिस्टर नहीं किया, आपने ना ही कोई साइट खोली है, देन उनको कैसे पता लगा कि आपको कौन सी आप क्या कर रहे हैं, तो द डाटा यू वर लुकिंग फॉर ऑनलाइन दिस इज बिकॉज वैन यू सर्व द नेट। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जब भी आप कोई भी नेट सर्व करते हैं, द वेबसाइट कीप ट्रैक ऑफ योर एक्टिविटीज़ एंड यूज़ द डाटा यू शेयर टू ट्रैक टू यू,
तो वेबसाइट क्या करती हैं, आपको ट्रैक करती हैं कि आप किस तरह का डाटा हैं सर्च कर रहे हैं। दिस वेबसाइट आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वेबसाइट एंड पेजेस यू आर विजिटिंग, योर लोकेशन, व्हाट यू यूजली रीड और सर्च फॉर एन ऑन इंटरनेट। दिस इज बेसिकली कैन टर्म एज ऑनलाइन ट्रैकिंग। तो वो सारी की सारी वेबसाइट क्या करती हैं, आपको ट्रैक करती रहती हैं कि आप किस तरह से, किस तरह की वेबसाइट्स को, कौन से पेजेस को ओपन कर रहे हैं, तो उस तरह का सारा आपके सामने पेश करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग कहते हैं। आगे ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होती है बच्चों, कह रहे हाउ डी डू दीज वेबसाइट कीप ए ट्रैक ऑनलाइन, कह रहे ये वेबसाइट्स हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन ट्रैक करती हैं। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आर यूज फॉर पर्पज़, यूज फॉर दिस पर्पज़ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी वेबसाइट एंड कैन ट्रैक विजिटर इजली। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग योर वेबसाइट एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। दीज स्क्रिप्ट आर डिजाइंड इन ए वे डैट दीज कैन बी डाउनलोडेड एंड कैच सेफली इन ब्राउजर। देर आर ऑल्सो मैनी वेज अवेलेबल टू कन्फिगर ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। द मोस्ट कॉमन ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आर गूगल एनालिटिक्स एंड क्वांट कैश। फॉर्चुनेटली देर आर मैनी बिल्ट इन ब्राउजर ऑप्शन विच में सेव योर ट्रैकिंग्स। कह रहा है कि जो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होती हैं, मेनली किस लिए यूज़ की जाती हैं, आप ताकि आप ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी वेबसाइट, ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर लगा दी जाती हैं ताकि जो विजिटर हैं उसको ईजिली ट्रैक कर सक किया जा सके। तो मेनली क्या होती हैं, ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर लगा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा उसका सारा का सारा जो भी सर्च कर रहा है सारा का सारा पता लगता रहेगा, वो ट्रैक करता रहेगा। अब कुछ वेज़ हैं जिसके द्वारा वेबसाइट जो हैं ट्रैक करती हैं। सबसे पहला है आईपी एड्रेस। कह रहे कि हाउ डू यू रिसीव ए लेटर थ्रू पोस्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पोस्टल एड्रेस। कह रहे कि आपको पता है कि आपके पास लेटर कैसे आया था, क्योंकि पोस्टल एड्रेस की वजह से आया था, विच इज़ यूनिक, जो यूनिक है। सिमिलरली वैन द डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर इन ए नेटवर्क, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन टू द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड आई पी एड्रेस। उसी तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा किसके थ्रू जाता है, वो जाता है आई पी एड्रेस के थ्रू। आई पी एड्रेस इन एक्रोमियम फ्रॉम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इट इज़ ए सिमिलर टू अवर होम और ऑफिस एड्रेस विच इज़ यूनिक। वेन एवर यू विजिट ए वेबसाइट द डिवाइस यू शेयर एन आई पी एड्रेस विद द वेबसाइट। विद द हेल्प ऑफ आई पी एड्रेस ए वेबसाइट कैन रफली एस्टिमेट द जियोग्राफिकल लोकेशन, योर आई पी एड्रेस माइट लुक लाइक दिस। कह रहा है कि अब देखिए, किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अगर आप कोई भी डाटा सेंड करते हैं, वो तो मेनली उसमें कोई पोस्टल एड्रेस तो यूज़ होता नहीं, उसमें होता है आईपी एड्रेस यूज़, जो उसके नेटवर्क के ऊपर है, जिसके ऊपर उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी होती है। जो आईपी एड्रेस होता है इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे 161.102.65.121, तो इस तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। हर कंप्यूटर का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट है कुकीज़। तो कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ आर स्मॉल डाटा फाइल्स विच आर सेंड बाय द वेबसाइट्स यू विजिट एंड जनरेटेड बाय योर ब्राउज़र। कह रहे कि कुकीज़ क्या होती हैं, स्मॉल डाटा फाइल्स होती हैं जो आप विच आर सेंड बाय वेबसाइट्स यू विजिट, जो जिन वेबसाइट्स को आप विजिट करते हैं उन वेबसाइट्स के द्वारा ये सेंड की जाती हैं, किसको, जनरेटेड बाय ब्राउज़र, और जनरेट की जाती हैं ब्राउज़र के द्वारा। दीज आर देन स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस, तभी आपके डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाती हैं। कुकीज़ आर यूज टू ट्रैक योर रिकॉर्ड ऑफ विजिट टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट वेब पेज। खैर कुकीज़ क्या करती हैं, आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करती हैं कि कौन सी वेबसाइट को आप पर्टिकुलर डेली क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कौन से वेब पेज को विजिट कर रहे हैं। वेबसाइट रिकॉग्नाइज यू विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ व्हेन यू अगेन विजिट दैट वेबसाइट। सिमिलरली व्हेन यू यूज़ ए क्रेडिट कार्ड फॉर इंटरेक्शन, कुकी विल स्टोर योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट वेब ब्राउजर हैव डिफरेंट प्राइवेसी सेटिंग, यू कैन गो टू योर ब्राउजर सेटिंग्स एंड चूज प्राइवेट ब्राउजिंग, दिस विल प्रोवाइड यू कंट्रोल ओवर व्हाट काइंड विच काइंड ऑफ कुकीज़ यू विल एक्सेप्ट। कह रहे कि कुकीज़ क्या करती हैं, आप जो भी वेबसाइट या वेब पेज को विजिट करेंगे उन सारे डाटा को ट्रैक करती हैं और स्टोर करती रहती हैं। मान लीजिए आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली है, कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है, उसको आपने सेव करके रख लिया, तो वो कुकीज़ में रह जाएगा। अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपने क्या करना है, जब लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डाटा दिखाई देगा आपको, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कहते इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अलाउ कुकीज़ यू विल डिसेबल दैम। अगर आप कुकीज़ नहीं चाहते तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ कुकीज़, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है बच्चों। तो टाइप ऑफ कुकीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़। दिस काइंड ऑफ कुकीज़ जनरली यूज टू स्टोर योर लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इस तरह की कुकीज़ में क्या होती है, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह या ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो सारी की सारी यूज़ होती हैं।
जिस भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हैं, जब कोई भी कार्ड को रिचार्ज कर रहे हैं फ़ोन से, तो साइट यू आर स्टोर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यू कैन ओनली हैव एंटर द पासवर्ड और सीवीसी नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको आपका या तो पासवर्ड डालना पड़ेगा या सीवीसी नंबर डालना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कुकीज़, क्या है कि थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं, दीज आर द कुकीज डैट वेबसाइट्स स्टोर टू गेट डिटेल्स ऑफ योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। कह रहा है कि ये जो कुकीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी वेबसाइट की जो डिटेल्स होती हैं सारी की सारी सर्च हिस्ट्री है उसको सेव कर लेंगी, या ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी उसको सेव कर लेंगी। सेशन कुकीज़ कह रहा है कि ये क्या करती हैं, आपकी जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं उन सबको क्या करती हैं, सेव करके रखती हैं। दीज आर द टेम्परेरी कुकीज डेट आर डिलीटेड आफ्टर यू क्लोज डाउन योर ब्राउज़र, और जब आप अपना ब्राउज़र जो है क्लोज़ कर देंगे तो ये सारी की सारी कुकीज़ क्या होंगी, सेशन कुकीज़ हैं, सेशन ख़त्म हुआ तो ये डिलीट हो जाएंगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सुपर परसिस्टेंट कुकीज़। तो सुपर परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होता है, सुपर परसिस्टेंट कह रहे सुपर कुकीज़ आर द टाइप ऑफ ट्रैकिंग कुकीज़ विच आर डिज़ाइन टू परमानेंटली रिजाइड ऑन ए यूज़र डिवाइस। कह रहे कि सुपर कुकीज़ क्या ऐसी ट्रैकिंग कुकीज़ होती हैं जिनको बनाया के लिए आते हैं ताकि वो परमानेंटली आप यूज़र के जो डिवाइस में हैं रह जाएं। दीज आर इंसर्टेड इन टू द HTTP हेडर बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू गैदर डाटा अबाउट द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड हैबिट्स ऑफ द यूज़र। ये किस लिए डाले जाते हैं HTTP हेडर में, ताकि जो ये यूज़र है उसके डाटा को गैदर करें, इकट्ठा करें कि वो डेली कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहा है और उसकी हैबिट्स क्या हैं, डेली की डेली क्या करता है। दीज आर आल्सो नॉन यूनिक आइडेंटिफायर हेडर्स, और इनको क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर हेडर भी कहा जाता है। उसके बाद अनलाइक वेब कुकीज़, सुपर कुकीज़ आर डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू डिटेक्ट एंड रिमूव फ्रॉम देयर ब्राउज़र। कह रहे दूसरी कुकीज़ के मुकाबले सुपर कुकीज़ क्या होती है, यूज़र से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और वो उसको रिमूव भी नहीं कर पाता। दीज कुकीज़ आर यूज टू टारगेट यूज फॉर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल पर्पज़, बट कैन बी पोटेंशियल प्राइवेसी थ्रेट टू द यूज़र, थस विदाउट द यूज़र कंसेंट पासिंग सच इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सब्सक्राइबर कैन बी अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ ISP। तो कह रहे कि दीज कुकीज़ आर यूज टू टारगेट यूजर्स फॉर स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल पर्पज़, बट कैन बी पोटेंशियल प्राइवेसी थ्रेटनिंग टू द यूज़र। कह रहे इस तरह की जो कुकीज़ होती हैं मेनली यूज टू टारगेट यूजर्स, यूजर्स को टारगेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, फॉर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट के लिए या कोई प्रमोशनल पर्पज़ के लिए, थस विदाउट यूज़र कॉन्सेंट, यूज़र कॉन्सेंट के बिना पासिंग सच इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सब्सक्राइबर कैन बी अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ ISP। तो बिना किसी यूजर कॉन्सेंट के हम इसको पास नहीं कर सकते किस पे, ISP के ऊपर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। नेक्स्ट है HTTP रेफर। तो HTTP रेफर क्या होता है कि वाइल ब्राउजिंग ए वेबसाइट व्हेन यू क्लिक ऑन द वेबसाइट लिंक टू ओपन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्ट फॉर द डाटा लाइक योर IP एड्रेस लोकेशन मशीन टाइप वेब ब्राउज एक्सेट्रा इज सेंड टू द लिंक वेबसाइट। कह रहे कि जब आप कोई भी वेबसाइट को क्या करते हैं ब्राउज़ करते हैं, तो जब भी आप किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच होगी वो सारी की सारी, चाहे कोई IP एड्रेस है, लोकेशन है, मशीन टाइप है, वेब ब्राउज़र है, वो कहाँ पे जाएगा, वेबसाइट को सेंड की जाएगा। द वेबसाइट विल नॉट ओनली सेट अप कुकी इन योर ब्राउज़र बट आल्सो रिकॉर्ड द URL ऑफ द वेबसाइट वेयर यू कैन कम फ्रॉम। कह रहे कि वेबसाइट अकेली कुकी सेट नहीं करेगी, बल्कि उसका URL जो है वेबसाइट का कहाँ से आ रही है वेबसाइट, वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। सो HTTP रेफर कैन बी डिफाइंड एज ए ऑनलाइन सोर्स विच इंक्रीज द विजिट एंड द नंबर ऑफ विजिटर टू वेबसाइट। तो HTTP रेफर क्या करता है ऑनलाइन सोर्स पे, कि एक तो विजिटर और विजिट दोनों को इंक्रीज करेगा वेबसाइट के ऊपर। इट मे इंक्लूड सर्च इंजन्स, लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स एंड लिंक विदाउट इन टू सॉफ्टवेयर, लिंक बिल्ट इन टू सॉफ्टवेयर रेफरल लॉग इन आल्सो मेंटेन विच कैन लेड टू द रेफरिंग पेज एंड द लिंक डेट वॉज क्लिक टू रीच ए न्यू वेबसाइट। तो क्या करें, इट मे इंक्लूड्स सर्च, इसके अंदर क्या क्या आता है, सर्च इंजन आते हैं, लिंक फ्रॉम अदर दूसरी वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे, सोशल मीडिया के लिंक हो जाएंगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिंक हो जाएंगे, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिंक होंगे, और कुछ लिंक जो होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट होंगे। कह रहे कि रेफर लॉग इज आल्सो मेंटेन, कह रहे कि जो ये जो रेफरर है वो मेंटेन किया जाता है
विच कैन लेड टू रेफर पेज एंड लिंक डेट वॉज क्लिक टू रिच न्यू वेबसाइट। उनके लिए भी किया था कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर हमें क्या करना हो जब मूव करना हो। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ कह रहा है कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक ए न्यू पेज वेबसाइट ओपन अप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट ओपन होगी। योर इन्फॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस लोकेशन विल बी आल्सो प्रोवाइड टू द वेबसाइट। तो उस वेबसाइट को आपका आईपी एड्रेस भी जाएगा, आपकी लोकेशन भी जाएगी और आपकी यूआरएल भी जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, एचटीटीपी रेफरल। मतलब कि एक वेबसाइट से एक पेज से जब दूसरे पेज पे नए पेज पे लिंक जो होता है मूव होता है तो वो क्या होता है, एचटीटीपी रेफरल के थ्रू होता है। नेक्स्ट है यूज़र एजेंट। तो यूज़र एजेंट क्या होता है, अगर कि यूज़र एजेंट रेफर टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज़ योर ब्राउज़र और सेशन इनिशिएटिंग एप्लीकेशन। कह रहे कि यूज़र एजेंट क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, सच एज योर ब्राउज़र, या तो आपका ब्राउज़र होगा या कोई भी आपका सेशन इनिशिएटिंग एप्लीकेशन होगी जैसे स्काइपी या कोई भी वेब कॉलिंग एप्लीकेशन होती है। कह रहे कि व्हेन यू इनिशिएट ए वेब सेशन, जब भी आप कोई भी वेब सेशन को स्टार्ट करते हैं तो दीज एप्लीकेशन पास योर इन्फॉर्मेशन सच एज एप्लीकेशन टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सॉफ्टवेयर सोर्स वर्जन एक्सेट्रा। करें तो आपकी क्या होंगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड एंड स्टोर बाय वेब सर्वर्स। ये सारी की इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ट्रैक्ट की जाएंगी वेब सर्वर के द्वारा और आपका जो बिहेवियर है वेब एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर क्या रखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी। यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स डेट आर सेंड बाई ब्राउजर टू द वेबसाइट बाई टाइपिंग माई यूज़र एजेंट। कह रहे हैं कि आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं जो डेटा सेंड बाय योर ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र के द्वारा सेंड की गई हैं, उसको आप देख सकते हैं माय यूज़र एजेंट को टाइप करके ब्राउज़र के अंदर। कोई भी ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे माय यूज़र एजेंट तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है प्रेस एंटर की, तो डिटेल्स सिमिलर टू द स्क्रीनशॉट, नीचे एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको डिस्प्ले होंगे सारी की सारी डिटेल्स। दिस द डिटेल्स इंक्लूड ब्राउज़र नेम, ब्राउज़र का नाम भी होगा, जैसे यहाँ पे मोजिला दिखाई दे रहा होगा आपको, विंडो एंटी, ये विंडो है, जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो भी सेंड की जा रही है वो सारी की सारी आपको क्या होंगी दिखाई देंगी, जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा है। कह रहे कि विद ऑल दीज ट्रैकर्स डेट आर मैंशन अबाउ ए यूज़र ब्राउजिंग हैबिट डिवाइस यूज इंट्रैक्ट्स एंड आइडेंटिफाइड कैन बी ट्रैक्ट। कह रहे कि यूज़र की सारी की सारी हैबिट्स हैं, ब्राउजिंग की डिवाइस जो इंटरेस्ट हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, सब की सब ट्रैक होंगी। सो द क्वेश्चन राइज इज दैट देर एनी वे बाई विच यू कैन एक्सेस द वेब विदाउट रिवीलिंग मच अबाउट योर सेल्फ। कह रहा है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई ऐसा तरीका है कि अपने बारे में इतना कुछ ना दे के अपनी कुछ सिक्योर तरीका हो जिससे हम वेब को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। यस फर्दर सेशन रिवील द इंफॉर्मेशन टू द अबो क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फर्दर सेशन जो है उसमें रिवील हो जाएगी अबो क्वेश्चन का आंसर। इन द सेक्शन अबव यू हैव सीन दैट वाइल ब्राउजिंग द वेब ए यूज़र मे विश टू हाइड द आइडेंटिटी ऑन द वेब एंड इंफॉर्मेशन मे बी यूज फॉर। कह रहे कि ऊपर वाले सेक्शन में आपने देखा कि यू हैव सीन दैट वाइल, जब भी हम ब्राउज करते हैं वेब को, यूज़र की विश होती है कि अपनी आइडेंटिटी को वो अपनी वेबसाइट या वेब पेज पर हाइड करे। तो क्या इंफॉर्मेशन भी यूज फॉर, जब क्योंकि क्या होता है ट्रैकिंग अवर वेब मूवमेंट्स, हमारी की सारी वेब मूवमेंट्स क्या होती है ट्रैक हो रही हैं, अटैकिंग और प्रोवाइडिंग द साइबर वर्ल्ड, हमारी प्रोफाइल के ऊपर साइबर वर्ल्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है, अटैक किया जाता है। तो फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट आवर इन्फॉर्मेशन, तो वो मेथड्स हम बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी जो सारी की सारी वेबसाइट्स पे, वेब पेज पे जो काम करते हैं, वेब हिस्ट्री हैं, वो सारी की सारी ट्रैक होती हैं। तो वो ट्रैकिंग से बचने के लिए हमें करना क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोटेक्ट रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे इसके पार्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू बच्चों।